भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बेटी बचाओ और बेटी महिला के सुरक्षा के लिए नई नई सुविधाओं पर जोर देते नजर आ रहे हैं, वहीं योगी की पुलिस द्वारा ही छात्राओं के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसा ही मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ बुलंदशहर पुलिस कार्यालय पर दो छात्राएं पहुंची। उन्होंने पहुंचकर जिले के कप्तान संतोष कुमार सिंह से शिकायत की है कि पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ छेड़छाड़ की है, जिसका लिखित शिकायती पत्र भी दिया है। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि गौतम चौहान नामक पुलिसकर्मी के द्वारा बदतमीजी और छेड़खानी का जिक्र किया है। उसने बताया कि पुरानी खुर्जा कोतवाली के समीप छेड़खानी का आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक शराब के नशे में था पुलिसकर्मी, स्कूल जा रही छात्राओं से पुलिसकर्मी करते रहे छेड़छाड़, मोबाइल से वीडियो बनाने का भी किया जिक्र। पीड़िताओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने सीओ खुर्जा को सौंपी जांच। पूरा मामला बुलंदशहर जिले के पुराना कोतवाली खुर्जा नगर इलाके का है। शर्मा है सर, हम वहाँ से पुरानी थाना था खुर्जा में, उधर से निकल रहे थे तो सर गौतम चौहान सर ने बुला के बोले कि ये मुँह पर क्यों बांध रखा, अपना चेहरा दिखाओ, वो तू मुसलमान ही है, ऐसे बोलने लगे। फिर मैं पकड़ के मेरी पिटाई भी करी और गाली भी दे रहे, और फिर सर बोले कि मिठाई लेके आओ और कुछ फल लेके आओ, इसकी गोद में रख दो। कौन है ये? कौन? गौतम चौहान सर, एक सिपाही थे। तो बोले कि इसकी किसी रिश्तेदार में शादी कर देंगे, मतलब ऐसी बात बोलने लगे। तो अब आपने शिकायत की है, क्या कहा एसएसपी साहब? सर ने तो अभी ये बोले कि आपकी सुनवाई करी जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध हैं। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।